तो फ्रेंड्स, अगर आपका सिस्टम विंडो 10 है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, तो आप उसमें इजीली अपने विंडो के अपडेटिंग सिस्टम को बंद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप कैसे कर पाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि मैं सर्च कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल को, तो यहाँ पर मैंने सर्च करने वाली से ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें बहुत सारे टूल नज़र आएंगे, लेकिन आपको इसमें सबसे फर्स्ट वाले टूल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को यूज करना है। तो आप जैसे ही इस पर चले जाते हैं, आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में ही मिल जाता है कंप्यूटर मैनेजमेंट। आपको इस ऑप्शन पे चले जाना होगा। तो आप जैसे ही इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन खुलने वाले हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना है सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पर आपको खोल लेना है, और इसमें जाने के बाद आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है सर्विसेज नाम के ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लोगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट कोई एक ऑप्शन को करना है। तो आप कौन सा ऑप्शन को करना होगा सेलेक्ट, तो चलिए आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो गैस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक विंडोज अपडेट का नाम का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डबल टैप कर देना है। तो जैसे आप डबल टैप कर देते हैं, आपको यहाँ पे एक विंडो खुल जाता है, जो कि इसमें यहाँ पे स्टार्टअप टाइप देखने को एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे करना होगा डिसेबल। इस ऑप्शन को आपको डिसेबल रखना है और कर देना है यहाँ पे स्टॉप। स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके कर देते हैं, आपका सारा अपडेटिंग सिस्टम यहाँ पे बंद हो जाता है। तो गैस, थी ना कमाल की वीडियो। तो गैस, आप लोग जाकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।